एलिफेंट राइड, हाथी की सवारी। दोस्तों आप कैसे बुक कर सकते हो थाईलैंड फुकेट में। फुकेट में तो ऐसे 6 से 7 जगह है जहाँ से आप एक ठीक ठाक एलिफेंट सफारी बुक कर सकते हो। बट इस वीडियो में मैं आपको बोलने जा रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन, कितना खर्चा आता है, आप कैसे ट्रिप बुक कर सकते हो। आपको ये कॉम्बो पैक लेना है। कॉम्बो पैक का मतलब एक ट्रिप के अंदर पूरा 4, 5, 6, 7 डिफरेंट ट्रिप इंक्लूडेड, लाइक टाइगर किंगडम, वाटर राफ्टिंग, जिप लाइनिंग, एलिफेंट राइड, हनी बी हार्वेस्टिंग, ऐसे बहुत ज़्यादा एक साथ एक दिन में फुल डे ट्रिप में 5, 6, 7 आप ट्रिप एक दिन में बुक कर सकते हो और इंडिविजुअली आप एक एक ट्रिप को भी बुक कर सकते हो। तो कौन सा वाला चीज़ आपका बेनिफिट होगा, कैसे आप खर्चा बचा सकते हो, पूरा इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों पहले तो जान लीजिए इंडिविजुअल बुकिंग और कॉम्बो बुकिंग में डिफरेंट क्या होता है। दोस्तों इंडिविजुअल बुकिंग का मतलब आप एक दिन में आप खुद के तरह कहाँ पर जाना है, कौन सा एलिफेंट राइड बुक करना है, कौन सा टूरिस्ट प्लेस आपको प्लेस जाना है वो आपको बुक करना। और कॉम्बो ट्रिप बुकिंग के अंदर हो जाता है आप एक ट्रैवल एजेंसी के वहाँ पर जाकर एक फुल डे ट्रिप आप बुक करना है और वहाँ पर आपको एक साथ 6-7 जगह का विजिट करने का मौका मिलेगा। पर दोस्तों मेरा मानना ये है एक साथ 6-7 जो ट्रिप मैंने जो देखा था वहाँ पर सिर्फ 2-3 ही एग्जैक्टली ठीक ठाक सारा से ट्रिप है, बाकी सब तो फालतू है। मतलब हनी हार्वेस्टिंग मतलब कैसे मधुमक्खियों से हनी तैयार होता है, एक फैक्ट्री में जाकर वो दिखाएगा। दूसरा तो एक काजू किशमिश कैसे तैयार होता है फुकेट में, ये सब देखने का कोई मीनिंग ही नहीं है, इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है, इतना एडवेंचरस भी नहीं है, तो फालतू उसके लिए क्यों हम लोग पैसा इन्वेस्ट करें। और शायद मान लीजिए आपको टाइगर किंगडम में जाकर, आपको एलिफेंट किंगडम में जाकर आपको ज़्यादा समय स्पेंड करना आप चाहते हो, बट वो भी आप नहीं कर सकते हो। वहाँ पर आपको 1 घंटे 1.5 घंटे स्पेंड करने के बाद आपको भगा के ले जाएगा दूसरे जगह के। तो इसीलिए दोस्तों मैंने इंडिविजुअल बुक किया था ये मेरा एलिफेंट राइड। एलिफेंट एग्जैक्टली 7 जगह है एलिफेंट राइड वहाँ पर बुक कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पर जो चिपेस्ट एलिफेंट राइड का जगह वहाँ पर बुक किया, वहाँ पर जाकर मुझको पता चला वहाँ पर भी 3 तरह के बुकिंग होता है। एक होता है फुल डे ट्रिप, मीन्स आप सारा दिन आप रह सकते हो, बट मेरा मानना यह है सारा दिन ये ज़्यादा ही एक्सेस हो जा रहा था, बिकॉज एक एलिफेंट सफारी में जाकर 2 से 3 घंटा 3.5 घंटा मैक्स टू मैक्स, उससे भी ज़्यादा 7-8 घंटा बढ़ाकर आप भी क्या करोगे, आप बोर हो जाओगे। दूसरा चीज़ था दोस्तों डिफरेंट एडवेंचर्स विद एलिफेंट्स, इसका मतलब एलिफेंट के साथ आप नहा सकते हो, एलिफेंट के साथ आप राइड कर सकते हो, एलिफेंट को आप खुद हाथ से खिला सकते हो, बट उस सभी के लिए आपको लगता है ज़बरदस्त एक्स्ट्रा पैसा। ये पूरा एडवेंचर पैकेज अगर आप बुक करोगे आपको पड़ जाएगा 2.5 से 3 हज़ार, तो मेरे हिसाब से थोड़ा ही ज़्यादा है। दोस्तों अगर आप हाथी को खिलाओगे तभी खाना मिलेगा, ऐसा तो बात नहीं है, आप खिलाओ नहीं खिलाओ हाथी को ऐसे ही खाना मिलता है। तो खाना खिलाने के लिए एक्स्ट्रा 700 से 800 रुपया पे करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो दोस्तों मैंने बुक किया था आधे घंटे 30 मिनट्स का एलिफेंट राइड। आधे घंटे भी बहुत होता है दोस्तों एक हाथी के ऊपर सवारी करना जंगल के अंदर। तो आधे घंटे ये ट्रिप के लिए मेरा खर्चा पड़ा लगभग 250 थाईवट। दोस्तों टाइम में मैं पहुंच गया था वहां पर जाकर, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ मेरा, बिकॉज पहले तो मैंने देखा एक हाथी को कैसे नहाया जाता है बहुत ही करीब से, एंड इट वाज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। एक नहाते हुए हाथी कैसे करीब से देखना, उसको प्यार करना, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और दूसरा एक छोटे हाथी से मुझको एक फ़ोटो खिंचाने का मौका मिला। आई मेड सम वीडियो, आई टुक सम फोटोज ओवर देयर, एंड बिलीव मी इट वाज़ सो मच एक्साइटिंग। आप देख सकते हो हाथी कैसे मुझको पकड़ के वो भी मेरे साथ खेल रहा था। उसके बाद टाइम आ गया दोस्तों मेरा रियल एडवेंचर, दैट इज़ द एलिफेंट राइड। एलिफेंट राइड के लिए वहाँ पर बहुत ऐसे ही हाथी है, बट मेरे लिए जो एलिफेंट अलॉट हुआ था वो बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था, और उसका नाम था दोस्तों टोनी। और टोनी आया था मुझको लेने के लिए, बट उसको ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी से मुझको ऊपर जाना पड़ा, और ऊपर एक रूफ है, रूफ के ऊपर से आप चढ़ सकते हो हाथी के पेट में। तो ऐसे ही मैंने चढ़ गया और उसके बाद पूरा आधा घंटे का ट्रिप हुआ इन द जंगल ऑफ थाईलैंड। बिलीव मी दोस्तों ये बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। एक टाइम पे तो मुझको लग रहा था मैं हूँ रियल मोगली ऑफ थाईलैंड, बट गाइज इस राइड से मुझको जो देखने का मौका मिला एक्चुअल नेटिव थाई पीपल का जो एडवेंचरस लाइफ मुझको देखने का मौका मिला, जो
एग्जैक्टली जंगल में जो ट्राइबल्स रहते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला और हाथी को एलिफेंट से इतना करीब से प्यार करने का मौका मिला। तो है ना दोस्तों, ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली एग्जैक्टली ट्रिप। एक्चुअली आप कैसे आप जा सकते हो, चलिए उसका भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वंस यू गेट द एड्रेस ऑफ द एलिफेंट सफारी, आपको एलिफेंट सफारी का एड्रेस मिलने के बाद आप लोकल किसी भी ट्रांसपोर्ट बुक कर सकते हो, टुक टुक हो गया, मिनी बस हो गया और जो कैब हो गया, आप कुछ भी बुक कर सकते हो और बुक करके आप जा सकते हो इन योर डेस्टिनेशन। सो दोस्तों, जाने के लिए खर्चा अलग पड़ता है, वो लगभग मान लीजिए 40 से 50 थाई भट एक्स्ट्रा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली ट्रिप है, फुकेट में आप जा रहे हो तो ये तो एलिफेंट वाला राइड आपको करना ही है, बिकॉज ऐसे थाई एलिफेंट को प्यार करना, फोटो खींचना, वीडियो बनाने का मौका तो दोस्तों आपको हर दिन नहीं मिलता है। तो जाओ तो ये करके आओ, और ये जो एंटायर इन्फॉर्मेशन खर्चे का, कैसे जा सकते हो, कैसे बुक कर सकते हो, होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा टू मेक योर नेक्स्ट थाईलैंड टूर प्लान। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, अबाउट द टाइगर किंगडम, कैसे आप बाघों के साथ एक पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो। तो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।